वेल क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 9 है आवर रेक्टेंगुलर मेटालिक पीस इज 3.70 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर वाइड एंड 7.20 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर लॉन्ग। दो पार्ट है इसके। ए फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट एंड अनसर्टेनिटी इन एरिया, एंड द अदर इज वेरीफाई दैट द सम ऑफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ एंड वेट इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया। इससे पहले भी हम लोगों ने अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चन किए हैं, और अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चन सिंपली हम यू करते होते हैं कि पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं लेंथ के अंदर, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ, और फिर उसको ऐड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, और वो देख लेते हैं कि कितनी अनसर्टेनिटी आती है एरिया के अंदर। तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन जो है वो है लेंथ, लेंथ ऑफ द पीस, लेंथ ऑफ पीस जो है वो हमारे पास है 3.70 सेंटीमीटर, जो विड्थ है वो हमें गिवन है 7.20, और इसी तरह से ये विड्थ है हमारे पास और वो लेंथ आ गई। इसको आप कर लें कि हमारे पास जो लेंथ आएगी दैट विल बी 7.20 सेंटीमीटर, और जो विड्थ होगी हमारे पास दैट इज 3.70 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ और विड्थ आ गई। अनसर्टेनिटी इन लेंथ दैट विल बी, अनसर्टेनिटी इन लेंथ है हमारे पास डेल एल इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। अनसर्टेनिटी इन विड्थ वो है हमारे पास डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे पास अनसर्टेनिटीज आ गई इनमें। अब हम निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ आएगी डेल एल ओवर एल इन टू 100। तो ये हमारे पास होगा 0.01 डिवाइडेड बाय लेंथ हमारे पास है 7.20 मल्टीप्लाई बाय 100। इट विल बी इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 7.20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास होगा 0.13%। अब हमारे पास है अनसर्टेनिटी परसेंटेज, अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ दैट विल बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा, आप देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे वैल्यू पुट करें 0.01 डिवाइडेड बाय जो विड्थ हमारे पास 3.70 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हमारे पास आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 3.70 मल्टीप्लाई बाय 100 0.027%। अब हम टोटल परसेंटेज आंसर, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया वो हम कर लेंगे कितनी आती है। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया जो होगी दैट विल बी, इन दोनों को ऐड करेंगे हम 0.13% प्लस 0.0 हमारे पास आता है ये 0.27 है, तो 0.27 को हम ऐड करेंगे 0.27, तो हमारे पास आएगा इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 0.27%। ऐड करें दोनों को प्लस 0.13 तो 0.4 आता है 0.4%। ये टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी एरिया के अंदर। हम देखते हैं कि अब कितनी अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी इन एरिया दैट विल बी इक्वल टू जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.4 मल्टीप्लाई बाय जो एरिया है डिवाइडेड बाय 100। तो एरिया हमारे पास सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं हम कि एरिया क्या आएगा हमारे पास। एरिया जो होगा वो हम कर लेते हैं कि एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट दैट विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और हमारे पास लेंथ है 7.20
मल्टीप्लाई बाय जो वेट था वो है 3.70, दोनों को मल्टीप्लाई करें हम अगर तो हमारे पास आता है 7.20 मल्टीप्लाई बाय 3.70, इट विल बी इक्वल टू 26.64। दिस इज एरिया। अब हम अनसर्टेनिटी इन एरिया फाइंड करेंगे, दैट विल बी परसेंटेज हमारे पास आई थी 0.4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 26.64, तो ये हमारे पास होगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 26.64 डिवाइडेड बाय 100 0.106 राउंड ऑफ करेंगे तो 0.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अनसर्टेनिटी इन आवर एरिया। ये हमारे पास आ जाता है पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी दोनों की निकाल के, और वो देखेंगे अगर अलग अलग तो वो आती है कि नहीं आती, वेरीफाई हम इसको पार्ट बी को कर सकते हैं सिंपली। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कि अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने ये कैलकुलेशंस करनी है। तो पार्ट ए हमारे पास 168.99 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम जब आंसर आएगा तो उसको हमने रिड्यूस करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक। यहां पर हमारे पास देखें, यहां पे 5 आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। तो हम यहां पे जरा कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 9 मल्टीप्लाई बाय 168.99 आता है हमारे पास 152.91। अब हमने इसको रिड्यूस करना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है हमने, तो हम इसको उड़ाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको उड़ाएंगे तो इधर हो जाएगा हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आता है 1520 हमारे पास बनता है, ठीक है जी, 1520 आता है हमारे पास। और हम ये चाहते हैं कि हम इसको रिड्यूस करें एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो हम इसको करेंगे पावर के फॉर्म में लिखेंगे 1.520 इंटू 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट हमने शिफ्ट किए, 1, 2, 3 डिजिट हमने शिफ्ट कर लिया है और हमारे पास पावर होगी 3। तो इसको उड़ाएंगे 0 को, कोई फर्क नहीं पड़ना, 2 को उड़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 है और 5 से पीछे वाला जो डिजिट है वो है 8, तो हमने 5 को जब उड़ाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2 × 10⁻³। दिस इज अवर आंसर। और यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसको एक्सप्लेन लिख दिया यहाँ पे। अब हमारे पास बी है पार्ट बी में 23.5 प्लस 234.09, तो यहाँ पे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 5 है, तो हमारे आंसर में 3 आने चाहिए, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं 23.5 प्लस 234.09 इज इक्वल टू 257.59। उड़ाएंगे इसको, रिड्यूस करेंगे, 9 वन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 6 होगा, और 6 को जब उड़ाएंगे तो पीछे 1 ऐड होगा, 258 हमारा आंसर आ जाएगा, 258 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें आप देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे मिनिमम 3 थे, तो यहाँ आंसर में भी 3 ही आने चाहिए। अब यहाँ पे इसमें देखें जरा आप, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं, 984.25 डिवाइडेड बाय 80.0, दिस विल बी इक्वल टू 12.83031.25 इतना आ गया, तो हमने इसको रिड्यूस करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 5 उड़ाएंगे तो 1 ऐड हो जाएगा, 3 होएगा, 3, 5 से कम है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ना, 3 को बढ़ा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जब हम 5 से लेस किसी डिजिट को उड़ाते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 5 से ग्रेटर होगा तब फर्क पड़ेगा, 1 ऐड कर देते हैं पिछले वाले में, और यहाँ पे हमारे पास होगा 12.8,
हमारा जो होगा वो आंसर होगा, और यहाँ पर तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये सारे न्यूमेरिकल जो हमने किए हैं ये सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। अगर इनमें आपको कोई मसला आता है, कोई फॉर्मूले के समय नहीं आती, कहीं पे कोई इशू आता है, तो आप इनसे रिलेटेड हमारे जो वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं उनको देख लें तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगे। और फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर टू पे, और उसके हवाले से अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हम मजीद किस तरह से आपके लिए बेहतर कर सकते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा।